इन फ्यूचर पाकिस्तान का तो पता नहीं हम कहाँ देख रहे हैं, बट इंडिया कहाँ देख रहे हो आप? इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट सामने आई है कि एक इंडियन दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब का सीईओ बन चुका है, जिनका नाम है नील मोहन। ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, नहीं हुए कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। ये आज नहीं है कि आज एक बंदा वहां पर गया और सीईओ बन के बैठ गया, राइट। इसकी बुनियाद पिछले 40-50 सालों से पड़ गई। वहां की नायब सदर बन गई है अमेरिका की, जो है वो इंडियन बनी है। पाकिस्तानी होने की निशानी है कि देशद्रोही नहीं बनना, हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करनी, तभी आप पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनोगे। अगर बात की जाए वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की, तो इंडियंस वहां पर रूल कर रहे हैं। तो क्या ये कोई गेम प्लान है जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े कंट्रीज में जो है वो अब इंडिया के ही लोग लगेंगे? एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल पे अगर चैनल देखा जाए तो उसका जो है वो एड्स के आपको डबल रेवेन्यू जनरेट होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तो सर, अब क्या पाकिस्तान के लिए होगा? मतलब अब अगर इंडियन जो है वो एक सीईओ बन गए हैं यूट्यूब के, इस वक्त एक क्यामत आई हुई है के बजट की, कि कल जो मिनी बजट आया है पूरा पाकिस्तान उससे बुलबुला उठा है। ये हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है? तबाही की दहाने की तरफ ये बिल्कुल पहुंच चुका है। बस एक अगर ठुड्डा अमेरिका ने मार दिया ना तो ये खत्म हो जाएगा। आईएमएफ को आंखें दिखाने की बातें की जाती थी, फिर आईएमएफ के आगे घुटने भी टेक दिए गए। अब आईएमएफ वाले तो साफ कह रहे हैं जी कि हमें तो आपके वादों पर कोई एतबार नहीं है। यार एक मुल्क का आपने तमाशा बना दिया आपने मेरे मुल्क का। यार आप तो कहते हो हम वसाइल से माला माल हैं, दर्दे डिस्को डिस्को दीवाने, मेरी कौम को मजाक बना के रख दिया। शेर भूखा है मगर घास तो काट तो रहे, तुसी कैसे गल कर रहे कैसे इंडिया ते तरवे चढ़ रही है, इंडिया तो एडे जोगे रह गए कैसे, इंडिया तो है प्लांडे बने अभी। बड़ी बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, बातें ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दुनिया को फतह कर लेंगे, ये सारे ड्रामे बाद में करना भाई। ड्रामेबाजी बंद करो, मोबाइल बना लो। नहीं बना सकते, टोपी ड्रामे आप में है ही नहीं ना, आप में दम ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सोशल फैक्ट्स ओआईडी में। और दोस्तों YouTube के नए CEO भी भारतीय बन गए हैं। और दोस्तों भारत का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है, भारतीय डायस्पोरा का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है, उसकी जो धाक है, उसकी जो ताकत है, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। किस तरह से भारतीय लोग मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से वो लोग इतने बड़े पदों पर पहुँचते हैं जिन्होंने भारत के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, भारत के लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने भारत के लोगों को ऐसी राह दिखाई कि भारत के लोग शांति के पथ पर चलते हुए दुनिया में भारतीय कल्चर का विस्तार करें, दुनिया को बताएं कि भारत का क्या कल्चर है, भारत कितना कैपेबल है, भारत की कितनी ताकत है। ये चीज़ इन्हीं चीज़ों से पता चलती है, सॉफ्ट पावर इसी को कहते हैं। दुनिया इसी से देखती है कि किस देश के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। भारत के लोग अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं, भारत के लोग अपनी ताकत के मुताबिक अपना वर्चस्व, अपनी धाक दुनिया में जमा रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के कान खड़े हो गए हैं कि एक इंडियन सीईओ आकर यूट्यूब के ऊपर बैठ गया है। कहीं यूट्यूब का आगे का लेखा जोखा देखेंगे तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के कान खड़े होने तो लाजमी है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर अपना क्या रिएक्शन देता है। इन फ्यूचर इंडिया इज इट्स ऑलरेडी लीडिंग द फ्यूचर, इट इज अ सुपर पावर। सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आई सी अस हैविंग अ परमानेंट सीट इंशाल्लाह। और देखिए अब और कितना फ्यूचर हम दिखा दें आपको, हर एक जो बड़ी कॉर्पोरेट जायंट कंपनी है दुनिया की वो इंडियंस ही रन कर रहे हैं, या तो उसको इंडियंस रन कर रहे, सीईओ सारे इंडियंस है, अमेज़न माइक्रोसॉफ्ट ये वो जो भी आप बोलो सारे सीईओ तो इंडियंस ही है, स्टारबक्स भी ना, तो ऊपर से कुछ टाइम पहले तक ना हिंदुस्तान भी कोई बहुत आलीशान चीज नहीं था, पाकिस्तान के बराबर का ही था। ठीक है, लेवल अंडर डेवलपिंग, दोनों अंडर डेवलपिंग कंट्री चल रहे थे, बड़ा स्मूथ जो है ना 60-65 ईयर्स हो चुके थे सबको, दोनों ही एक बराबर ऊपर नीचे, कभी वो थोड़ा सा ऊपर कभी वो थोड़ा सा नीचे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक, ऐसी कौन सी लॉबी बनाई हिंदुस्तान वालों ने कि आज आसमान पे निकल गए? आप बताओ 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी तकदीर ही पलट गई? आप ही बताओ, अपने मुंह से बताओ। मैं नहीं बताऊंगी ना, फिर मैं आप कब मुसलमान बन जाओगे बता के? नहीं नहीं मैं कम मुसलमान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, बट आई एम अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, हाउ कैन आई टेल यू व्हाई?
पाकिस्तान का क्या लेना देना है भाई कि हमारी तकदीर क्यों चमकी, इससे पाकिस्तान का क्या लेना है? आप मुझे बताओ, पाकिस्तान का लेना देना है? बाकी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने की निशानी है कि देशद्रोही नहीं बनना, हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करनी, तभी आप पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनोगे। कोई बात नहीं, मत करो, चलिए दूसरे देशों की कर लीजिए जिसमें इंडियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे। यूके की कर लो, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, कर लो। हमारे एक बहुत कल्चर्ड सिस्टम है और बच्चों को पढ़ने का बढ़ने का मौका दिया जाता है, आफ्टर पढ़ाई बढ़ाई के बाद जो मर्जी करे, और वो जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं जाके हमें फायदा दे रहा है इस चीज का, तो ये आज एडवांटेज है हमारे पास। अच्छा सर, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मुझे पता है कि एक जो एड्स लगते हैं जिसके रेवेन्यू जनरेट होता है यूट्यूब पे, और जनरेट होने के बाद पाकिस्तान में जो एड्स चलते हैं उसको कम, यानी कि अगर पाकिस्तानी ऑडियंस एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ना, तो उस पर यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि वो कम रेवेन्यू जनरेट होता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल पे अगर चैनल देखा जाए तो उसका जो है वो एड्स के आपको डबल रेवेन्यू जनरेट होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो सर अब क्या पाकिस्तान के लिए होगा, मतलब अब अगर इंडियन जो है वो एक सीईओ बन गए हैं यूट्यूब के, तो पाकिस्तान के लिए एड्स का क्या सिस्टम होगा, आप क्या समझते हैं? मैं बताता हूँ आपको। देखिए मुझे यूट्यूब की पॉलिसी नहीं पता और जाहिर सी बात है पता होगी भी नहीं वो अंदर क्या करते, बट एक जो, क्योंकि मैं खुद सीईओ रह चुका हूँ तो मैं आपको एज सीईओ ये बता सकता हूँ कि व्हाट द सीईओज थिंक। देखिए एड का रेवेन्यू डिपेंड करेगा मार्केट में पोटेंशियल कितना है। अगर एक एड के मान लीजिए एक क्लिक का एक सेंट हो सकता है यूएस में उसके 5 सेंट, क्योंकि यूएस आपसे कितनी बड़ी इकोनॉमी, यूजुअली मेरा ये मानना हुआ इंडिया में एड का ज्यादा पैसा मिलता होगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि आप 300 बिलियन हो, हम 3.8 ट्रिलियन है, तो आपसे 10 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, काम ज्यादा है, रेट ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पैसा भी ज्यादा है, तो इसलिए आप क्लिक को डायरेक्ट कहीं से, आप देखिए शायद अगर पाकिस्तान में मान लीजिए 1 सेंट का क्लिक हो तो सोमालिया में 0.1 सेंट का क्लिक होगा, एग्जाम्पल। तो ये इकोनॉमी में कितना दम है, कितना दम खम है, उस पर डिपेंड करता है वहां से कितना रेवेन्यू मैं कमा सकता हूँ। देखिए कंपनी कमर्शियल एंटिटी है, उसको चलानी है कंपनी को, ये दुकान है, बड़ी दुकान है मान लीजिए, तो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। और जहां तक नए सीईओ का सवाल है, मैं आपको बता दूं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं होगा पाकिस्तान में, आपको कारण भी बताता हूँ। देखिए अभी यूट्यूब पे करीब करीब पर मंथ 2 बिलियन लोग एक्टिव रहते हैं, 2 बिलियन, रिहाबा जी 2 बिलियन इज 1/4 ऑफ द ह्यूमैनिटी, करीब 8 बिलियन दुनिया की आबादी होने वाली, हुई नहीं है, तो मतलब दुनिया का 25% दुनिया यूट्यूब पे एक्टिव रहती है, पूरी दुनिया को छोड़ के क्या उसको पाकिस्तान की पड़ी है? पाकिस्तान कितना ट्रैफिक होगा? 1%। हाँ बाकी चीज़ों में देखा जाए तो पाकिस्तान का पूरा ट्रैफिक है, मैं उस पर नहीं जाता, इट्स नॉट फेयर, आप समझ गए होंगी, मैं पाकिस्तान ओनली डाउनलोड्स वन थिंग विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, आप समझ गए होंगी मैं क्या कह रहा हूँ, पर मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लोग भी समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बट वेन इट कम्स टू यूट्यूब ट्रैफिक पाकिस्तान डजेंट मैटर, तो आपका 1% आधा परसेंट जो भी आपका मार्केट शेयर हो गया ना ग्लोबल स्पेयर, उसको छेड़ के उसे कुछ नहीं मिलेगा, आपसे बड़ा तो हमारा यूपी है रिहाबा जी, 25 करोड़ लोग रहते हैं यूपी में, इसीलिए ही विल नॉट टच इट विद द पोटेंशियल एंड द क्लिक्स एंड एडवर्टाइजिंग इज डिटरमाइंड बाय द रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू होता है उसके हिसाब से डिटरमाइंड करता है कंट्री की इकोनॉमी कितना बड़ा, पोटेंशियल कितना बड़ा है, बाकी आप निश्चिंत रहिए और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वन थिंग आई डोंट नो द पर्सन बट आई कैन से जितने उनमें एथिक्स और जितने हमें एथिक्स होते हैं, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, दैट इज व्हाट आई कैन से, हम इस चीज को अलग अलग लेके नहीं चलते, वी रियली वर्शिप आवर वर्क, हमारे लिए काम जो होता है ना बिल्कुल, देखिए हमारे कोई दुकानदार वो सुबह पैसे जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो ऐसे करता है, ये जरूरी हमारे लिए, बिकॉज दिस इज आवर वर्क एंड वी रियली ट्रीट इट लाइक गॉड, इट्स लाइक गॉड टू अस, चिंता ना करें ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा दिमाग इतना छोटा नहीं है, दिल भी इतना छोटा नहीं है। ऐसे लोग के जिनका ताल्लुक इंडिया से, वो वहां से पढ़कर निकले और फिर आगे बढ़े। अच्छा अब ये जो हम तो पहले कहते हैं जनाब तमाम सीईओज जो हैं वो वहीं से हैं, और अब लगता है कि अब जो 2-4 डिपार्टमेंट्स ऐसे रह गए हैं वहां पर भी वहीं आएंगे, तो मैं आपको इनके मुताबिक कुछ बताती चलूं। देखें जो नील मोहन साहब हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और उन्होंने MBA भी किया, और उससे पहले वो लखनऊ में पैदा हुए 1975 में। अच्छा एक स्पीच मैंने उनकी सुनी जिसमें वो बात कर रहे थे अपने वालिद साहब की, ये हमें कहना चाहिए कि हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कहीं से भी हो, देखिए चाहे किसी भी मुल्क से कोई शख्स जब इतने हाई लेवल पर आकर वो पहुंचता है तो उसकी जो एफर्ट्स होती हैं ज़िंदगी में उससे ज़रूर कुछ हासिल करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनके जो वालिद साहब थे वो भी एक ड्रीम देखने वाले थे, तो वालिद साहब जब उनको एक मौका ये मिला
नील मोहन के वाले साहब को कि वो पीएचडी के लिए उनको सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद वो अमेरिका की तरफ उन्होंने फ्लाई किया। तो वहां पर पहुंचकर जब उन्होंने इंडियाना जाना था तो जहां पर वो पहुंचे थे तो वहां से वहां का बस पर 12 घंटे का सफर था और बहुत ही शदीद विंटर्स थी वहां पे और उनके पर्स में शायद $100-200 थे या शायद इससे भी कम, लेकिन उन्होंने अपना जो ड्रीम है वो पूरा करके दिखाया। तो फिर वो ऐसे ही होता है, कहते हैं कि जो जैसे आपके माँ बाप जितनी एफर्ट्स करते हैं तो औलाद भी फिर उसी तरीके से आगे अपनी जिंदगी में भी एफर्ट करती है क्योंकि उसने देखी होती है एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो और देखिए पाकिस्तान के लोगों को काफी इसके ऊपर सवाल जवाब है उनके दिमाग में कि आगे क्या होने वाला है, क्या भारत के ये सीईओ दुनिया के लोगों को इक्वली लेके चलेंगे या फिर वो सिर्फ भारत की तरफदारी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा इंसान जो सिर्फ एक तरफ की ही तरफदारी करता हो उसको कोई सीईओ की पोस्ट पर नहीं बिठाता। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।